हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ द फेस शॉप की लिप एंड चिक टिंट इन द शेड 05 चेरी किस, एंड इट्स फार्मूला इज सो ब्यूटीफुल। और अगर आप इसे लेना चाहते हो तो मैं इसका पिक साइट में कहीं मेंशन कर दूंगी, एंड इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो वहां से ले सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये स्वेट प्रूफ है। आजकल हम सारे मास्क लगाते हैं, एंड मास्क के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि या तो हमारा मेकअप उसमें लग जाता है या तो हमें बहुत पसीने आते हैं। तो ये टिंट के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही ये आपके मास्क पे ट्रांसफ़र होगा। आप इसे जैसा लगाओगे एज इट, ये आपके लिप्स पे वैसे ही रहेगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैं इसे बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ एंड मैं अभी भी इसे यूज़ कर रही हूँ, एंड ये आपके एक बहुत दिनों तक चल जाएंगे। मीन्स आपने बस एक बुंद भी नहीं लगने हैं, एक दिन में आपके बहुत कम प्रोडक्ट लग जाए, एंड ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा लेना है, ये आपके लिप्स पे चिक्स पे हर जगह पे ये लग जाएंगे। एंड ये मुझे लगता है मैंने इसे बहुत दिन पहले लिया है एंड अभी भी ये इतना ख़त्म हुआ है, एंड ये पूरा है अभी भी। लॉन्ग लास्टिंग पावर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप देख सकते हो उसकी पैकेजिंग बहुत ही छोटू सा, क्यूट सा, एंड रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, रेड ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। इन्होंने इसमें प्लास्टिक की बॉटल दी हुई है, दिस इज़ नॉट कांच, ये प्लास्टिक है, एंड इसका कैप है, एंड इसमें वाइट कलर से इसके सेट नेम एंड इसके इंग्रेडिएंट सारे कुछ कुछ इसमें लिखे हुए हैं। एंड ये कोरियन ब्रांड है। कोरियन गर्ल्स लव यूजिंग टिंट ऑन देयर फेस, ऑन देयर चिक्स, ऑन देयर लिप्स, ऑन देयर आईज। तो चलिए मैं इसे यूज़ करके बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे कैसे यूज़ करा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर कर देना। अभी भी मैं कह रही हूँ आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आप आके देखते तो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे वीडियो। मैं इसे यूज़ करके बताती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। इसे बेसिकली मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और जब भी मुझे मेकअप करने का मन नहीं होता है तो जस्ट मैंने इसे हल्का सा ये करके, इसे मैं कैसे कैसे कर रही हूँ अब आप आगे देखो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। तो अब मैं इसे यूज़ करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कोई सा भी टिंट यूज़ करो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्किन को पहले हाइड्रेट करना, पहले आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, कंसीलर लूँगी। कंसीलर ले रही हूँ, ये है NYBAKE की। मैं क्या करूँगी, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है फेस में। अब मैंने जहाँ जहाँ पर थोड़े बहुत डिसकलरेशन है, थोड़े थोड़े मीन्स कहीं पर आप देख सकते हो आँखों के नीचे एंड इधर इधर, मैं उसे हाइड करूँगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कंसीलर लूँगी थोड़ा सा। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, ब्लेंडर नहीं लेती हूँ, मैंने अपने हाथ से इसे बहुत ही हल्के हाथों से ब्लेंड कर देना है। तो मैं इसे अपने हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ये मैं जब भी करती हूँ जब भी मुझे फाउंडेशन यूज़ करने का मन नहीं करता है, मुझे 2 मिनट्स में रेडी होना होता है, तो मैं फटाक से ये कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा बेस कम्प्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं टिंट लेती हूँ। तो आपने इसे कभी भी डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना या लिप्स पे अप्लाई नहीं करना। ये क्या करेगी कि ड्राई हो जाती है एंड फिर ये पैचेस दे देगी आपके फेस पे, एंड हल्का सा अपने बैक ऑफ दी हैंड पे निकाल लेंगे, बस इतना सा काफ़ी है। पूरे फेस का मेकअप मैं कर लूँगी इसमें से। फिर आपको जो स्पैटिंग मोशन में अपने चीक पे लगाना है, बस थोड़ा सा लेना है। पहली बार में आप इसे लगाओगे तो बहुत रेड हो जाएगी, बट आपने इसे ब्लेंड कर करके इसकी कवरेज थोड़ी कम कर देनी है। ठीक है, ये इसकी कवरेज कम कर देनी है। अब जितना ब्लेंड करोगे उतना अच्छा आपका फेस लगेगा। लग रही है ना, एकदम अंदर से ग्लो आ रही हो। इसे थोड़ा सा लेना है, हाथों से ले लो एंड जस्ट पूरे लिप्स पे टैप टैप कर दो। इसे 1 सेकेंड के लिए भी छोड़ना नहीं है, तुरंत ब्लेंड कर देना है। ये मैं नेचुरल सा मेकअप बता रही हूँ आपको, बहुत ही नेचुरल। मैंने सेम इसे लेने हैं अपने लीड पे भी, थोड़ा सा मैं हाथों से लूँगी एंड जस्ट थोड़ा सा रेड कर दो इसे। लिप्स हो गए, आईज हो गई एंड हल्का सा ग्लो
और चीज़ और लगा लो, थोड़े से चिन पे भी डाल दो, बस थोड़े से, एंड फिर आप बहुत ही रेड हो जाओगे। एंड इसकी टेंशन मत लो, ये आपके धुल जाएंगे। आप जिस पानी से हाथ तो रब करोगे या हैंड वॉश से धुल जाएंगे। इसके बाद आपने अगर थोड़ी बहुत कवरेज चाहिए तो आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। मैं फिर भी क्या कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत नेक पे लगा लेती हूँ उसे। एंड थोड़ा फोरहेड पे डाल दो, थोड़ा जॉ लाइन पे डाल दो, हो गया। सी कितना नेचुरल लुक आ रहा है, बहुत ही नेचुरल। You said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan. ये मेरा सीक्रेट था जो मैंने आपको बताया, और आप भी ट्राई करो। एंड आपसे आपका सीक्रेट कोई पूछे तो आप क्या ना कि मैं तो बहुत बीट रूट खाती हूँ, मैं तो बहुत एप्पल खाती हूँ, मैं जूस पीती हूँ, तो मेरा फेस इतना ग्लोई और इतना रेड दिखता है, ठीक है। पर क्यों रेड दिखते हैं, ये तो सिर्फ मेरे और आपके बीच में है। सो आपको ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताना कि नैन्सी ने आपको ऐसा बताया है। एंड बस ग्लो करो। एंड दिस इज सीक्रेट बिटवीन मी एंड यू गाइस, सो दिस इज माय फाइनल लुक। I never wanna lock you down. I know you're not mine. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सी डजंट ट्रांसफर एट ऑल। ओके बाय।